इयो पर उपकारी थव सचो सतराम। इयो किरशन मुरारी थव सचो सतराम। ईश्वर परोपकार करे सचे सतगुरु जे रूप में पेंजे प्यारन के सही राह ते हलाए थो ए पेंजी आत्मिक कशिश वसीले पेंजे प्यारन के पान ना छिके लीन करे थो। मकसद धुनी साहब जी हन पद में जणायो वयो आए त हर जीव जो भलो चायो ए करियो सुठा कम करियो ए कृष्ण वांगर पुर कशिश बणजो जिया हर एक तवां के कर्म योगी समझी महसूस करे ए पेंजो समझे दुखियन दुखियन बीमार बुखियन बेसारन जा साथी बणजो बे जो दुख पेंजो समझी दूर करियो ए बेन के खुशी देई पान खुश रहो। मतलब त बे के सुखी रखन लाए हर तरह जे जतन करियो। मसलन सच्चे सतगुरु साहब जिन वट मीरपुर माथेले जा रेंदड़ नंदूमल ए मोहनमल ब भाईर आया जिन शरण में अची अर्ज कयो त सच्चा पातशाह असा ताल के पंचायत वट डोई साबित थे आयो ए असा ते न्याणी संग जो डोई सूरत में दंड रखियो वयो आए असा वट न्याणी न आए जो देई सकूं उन्हें करे पंचायत असा के न्यात में लाए छो है तवा का सवाय असा जो को बजो आसरो ना आए असा तवा वट ईश्वर जो नालो खणी आया आयो असा के बेइज्जती की जिंदगी का निजात दियारे इज्जत से रहन लाए बेन जेड़ो करियो। साईं जन उन्हें अर्ज करण ते मीरपुर माथेलो पंचायत वट व्या पर पंचायत संघ का सवाय नाबरी वारी तदे सच्चा सतगुरु वापस रेड़की साहब आया ए पेंजी न्याणी साण खणी मीरपुर माथेले पौता ए पंचायत के चयाऊँ तो असी संघ खणी आया आयो। तालके पंचायत जो मुखी वापरमल जेको हयात पिताफी जो रहंदड़ो ते गुरूर का चयो तो भगत साहब पेंजो संघ खणी असा के दड़का तो दी छा तदे साईं जिन वराण्यो तो तवा जो कम संघ सा आए एक गाल करे फ्री था वनो ब जबानू नांग के थींदियूं तू तो को मिर्गी लगो आई जो पेंजी जबान ते भी नथो हली। साईं सच्चे सतगुरु साहब जिन जो चवण ए मुखी के मिर्गी लगन ओए त सबनी सच्चे साईं का माफी वरती ए बगैर संग देण जे उन्हें भाईरन के गंढे छो। साईं जन वराण्यो त असा के पेंजी परवाह ना आए त को कुछ भी चवे पर मुखी साहब जेके ईश्वर लाए लफ्ज़ को तबांदा तवा वट को ईश्वर जो नालो खणी अचे ए तवा वतो मालिक के रुलाइंदा तदे असा का उन्हें जी बेइज्जती सठी न वही त जेको पेंजे प्रभु जो ना आए उन्हें जेड़ो दोज़की को भी ना आए तदे असा का सहज स्वभाव ये लफ्ज़ निकता उन्हें मां असा के इया जान पवे थी त साईं जन परोपकार यानी बे जी भलाई लाए केतरी न कुर्बानी देण लाए तैयार रहंदा हुआ जो पेंजी न्याणी भी कुर्बान करण लाए तैयार थी व्या पर मालिक जे नाले जो निरादर बर्दाश्त न कयाऊं। असा के भी घुर्जे त सच्चे सतगुरु साहब जिन जो सहारो वठी मालिक जो सिमरन करियूं ए सच्चे सतगुरु या मालिक जे नाले जी शान में कोताई या निरादरी बर्दाश्त न करियूं। इयो बिरजे बिहारी थव सचो सतराम। इहो मोहन मुरारी थव सचो सतराम। सचो सतगुरु ही भगवान श्री कृष्ण वांगर प्यार ए मोहब्बत जी मुरली वसीले पेंजी मंजिल ते पहुंचाए तो ए नस नस में वास करे तो। मकसद धुनी साहब जे इन पद में समझी सकजे तो त ईश्वर एक आए उन जे नाला अनेक आन कें राम चयो त कें कृष्ण कें मोहन चयो त कें माधव कें सुंदर श्याम चयो त कें सचो सतराम। यो साग्यो ही प्रभु आए जे प्रहलाद जी रख्या कई हुई वो भी साग्यो प्रभु आए जे मीरा जे जहर जो प्यालो अमृत बनायो जडे सब नाला ही उन मालिक जाएन पोए भेद छा जो नफरत केड़ी के न के नाले सा प्रभु जो सिमरन करियो उन्हें जो ध्यान धरियो मोहन वांगर सबनी के मोहब्बत दियो कृष्ण वांगर प्यार जो फैलाव करियो जी श्री कृष्ण भगवान पेंजे प्यारन लाए गोवर्धन पहाड़ पेंजी चीज ते खयो तेड़ी तरह सचो सतगुरु पेंजे प्यारन जे पापन जो बार खणी उन्हें के सच जी राह ते आणे थो ऐं सिक ऐं सच्चाई जो पैगाम ॾेई उन्हनि जी राह संवारे थो। भले साण भलाई उहा ई रीत संसार बुरे साण भलाई करे सचे सतराम जी दरबार। जेको ईंदो हिकु वारी
दर्शन सां बहारे थव सचो सतराम। जें भी जीव पल पल मालिक जो सिमरन करे उन्हें सच्चे जी सच्ची राह में आयो ऐं प्रभु जो दर्शन पातो उन्हें सब कुछ हासिल कयो ऐं करतारत थियो। मकसद दुनी साहब जे इन पद में असां के सडियो वियो आए त ए इंसान हिकड़ो दफो उन्हें सच्चे जी वाट त वठ उन्हें जी ओट त वठ पोए दिस त उन्हें जे दर्शन पसंद सा कियां थी मुक्ति मिले। जदे मुक्त थियो त मालिक सा मिली हिक थियो ऐं सचो सुख सचो आनंद ऐं सचो संतोष मिलंदो। मसलन सिंध जा संत छलू फकीर महाराज चुनीलाल भाई मूलाराम भाई गोंदराम हर रोज सच्चे सतगुरु साईं सतरामदास साहब जिन जो दर्शन करण रेड़की साहब इंदा हुआ ऐं चवंदा हुआ त तुंहिंजे ॾिसण सां असां खे मालिक जो दर्शन थींदो आहे। जंहिं ॾींहुं सच्चे जो दर्शन न थिए उहो ॾींहुं असां ज़िंदगी जो अजायो ॾींहुं समझंदा आहियूं। मिटींदो मन जी मुंझारी थव सचो सतराम सचो सतराम चओ सचो सतराम। जंहिं हरदम सचे जो सिमरन कयो उन जे मन जी मेल धोइजी वई ऐं साफ थी पियो। मकसद दुनी साहब जे हिन पद मां असांखे ॼाण पवे थी त हिन दुनिया में सिमरन ऐं ध्यानु ई हिकु रस्तो आहे जंहिंजे वसीले असां मन जी मेल लाहे सघंदासीं। ॿियो को बि वार वसीलो न आहे। असांखे दम दम में पंहिंजे प्रीतम जी तवार रखणी आहे। जहिड़े नमूने जोगी या योगी पाण सां गॾु हमेशह लोटी साण रखंदा आहिनि उन जो मक़सदु उहो हूंदो आहे त मन रूपी लोटी खे पाण वटि क़ाबू रखो मन जी मेल लाइ उनखे साफ़ बणायो। सचे सतगुरु साहिब जिन जो फ़रमान आहे त हमेशह पंहिंजे मन रूपी लोटी खे उन चाव ऐं वलवले सां साफ़ करियो जहिड़ी चाव सां पंहिंजे मालिक जी बंदगी करियो। घड़ी घड़ी तवारियो मुंहिंजा मालिक मूंखे पंहिंजो दीदार कराए तोखां सवाइ ज़िंदगी बेकार आहे। मसलन मीरपुर माथले जो भाई खोतोमल जंहिं पूज देवरी साहिब ते मथो टेकी सचे सतगुरु साईं सतरामदास जिन खे पंहिंजो सतगुरु धारण कयो तंहिंखे कंहिं माण्हू चयो त तूं देवरी साहिब ते मथो टेकियो आहे अगरि तूं कंहिं मसइले में उलझी पवीं त तोखे हुनजो हलु केरु ॾींदो। तॾहिं हीउ मुंझी पियो ऐं कंहिं प्रेमी खां हुनजो हलु पुछियईं। तॾहिं हुन गुणवान हिन खे ॿुधायो हीउ तोखे कंहिं अणसमझ उलझायो आहे पंहिंजो सतगुरु त समर्थ आहे ऐं हर हंधि मौजूदु आहे। पहिरियां ई त पाण उन खां वठंदासीं जेको सचे सतगुरु जी रहमत सां हिन वक़्तु आहे न त पाण सिधो बि सचे साईं सां मिली सघूं था। सिर्फ़ु उन जो सिमरन करियो हू सदाई गॾु आहे। तंहिं ॾींहं खां खोतेमल मालिक खे दर्शन लाइ ध्यानु शुरू कयो। थोरे ई वक़्त में उनखे साख्या दर्शन थियो। भाई खोतेमल चवंदो हो त जॾहिं खां मां मालिक खे पातो आहे मुंहिंजी सभु मूंझ ऐं मेल ख़तमु थी वई आहे ऐं कॾहिं बि मूं परेशानी जो मुंहुं न ॾिठो आहे ऐं जॾहिं यादि करियां थो सतगुरु खे पायां थो। असांखे बि उन सचे जो सिमरन करणु घुरिजे जंहिंजे नाम सिमरण सां सभु क्लेश कटिजी वञनि था।